संकट से घिरी पाकिस्तान की इमरान खान सरकार कोरोना महामारी के बीच अपने देशवासियों को टीके के लिए खैरात के भरोसे छोड़ने को तैयार है। दरअसल पाकिस्तान सरकार इस साल कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदेगी। इमरान सरकार फिलहाल कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी और साथ ही देशों से मुफ्त में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन पर निर्भर रहेगी। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक नेशनल हेल्थ सर्विसेज के सेक्रेटरी आमिर अशरफ ख्वाजा ने गुरुवार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम के मुताबिक चीन की बनाई कोरोना वैक्सीन के एक डोज की कीमत $13 है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान वैक्सीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स और चीन जैसे साथी देशों पर निर्भर है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज सेक्रेटरी ने बताया कि चीन की फार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोफार्म ने पाकिस्तान को कोरोना टीके की 10 लाख खुराकें देने का वादा किया है। इनमें से 5 लाख खुराकें पाकिस्तान को दे दी गई है। अब तक मिली खुराकों में से पाकिस्तान ने 272,000 डोज कोरोना मरीजों की देखरेख में लगाकर हेल्थ प्रोफेशनल को दे दी है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान का लक्ष्य इस साल के अंत तक 7 करोड़ लोगों को टीका देने का है। पाकिस्तान को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के जरिए भारत निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की 1,60,00,000 मुफ्त खुराकें भी मिल सकती है, जिसमें पाकिस्तान की 20% आबादी को टीका दिया जा सकेगा। साल 2000 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संस्था गावी का उद्देश्य दुनिया के गरीब देशों को वैसी बीमारियों का टीका मुहैया कराना है जिन्हें वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। यानी ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस के टीके के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खास तौर पर चीन से आस लगाए बैठा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।